स्वागत है सभी दर्शकों का जन जागृत न्यूज चैनल पर। आप देख रहे हैं प्रयागराज के मांडा ब्लॉक अंतर्गत साधन सहकारी समिति लिमिटेड मांडा प्रयागराज में इस टाइम मैं मौजूद हूं। यहां मौजूद जो हमारे वरिष्ठ हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं उनसे जानेंगे आज के दिन के बारे में। आज हालांकि यहां बंदी है, हम लेंगे पूरा परिचय के साथ आज के दिन के बारे में जानकारी। जी हम चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए आप अपना पूरा परिचय दें। मैं रविन्द्रनाथ पाठक, सचिव मांडा साधन सहकारी समिति जी। और हमारे आज हमारे यहाँ पूरे विश्व भारत में हजरत अली शहादत डे मनाया जाता है जी। उनका बलिदान और उनका योगदान हमेशा देश के प्रति रहा है, हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आपकी काफी उम्र हो चुकी है, लगभग आप 50 के ऊपर चल रहे होंगे। 63 62 साल। तो इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। हाँ थोड़ा बहुत जानकारी है, विशेष नहीं है लेकिन है। तो ये आप हर साल मनाते चले आ रहे हैं, छुट्टी मिल रही है, सरकारी गेस्ट छुट्टी है। हाँ, छुट्टी पूरा भारत बंद है। पूरा भारत बंद है। तो इस ऊपर हजरत अली शहादत डे के नाम से मनाया जाता है। हाँ। तो इस समय आप लोगों को क्या मैसेज या क्या संदेश देना चाहेंगे? हम देंगे सभी लोग एक भाईचारे की भावना से रहें, एक दूसरे के प्रति प्रेम और लगाव रखें और देश के प्रति अपनी योगदान दें। और सर्वप्रथम मानवता ही है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के काम आवे तो वही एक मानवता है। इंसानियत को बरकरार रखा जाए, अब भाईचारे का संबंध गंगा जमुनी तहजीब के हिसाब से रखा है। जो है कल 71वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं पूरा भारत, और इस अवसर पर हम यही कहेंगे कि आप लोग एक शांति प्रेम और एक मिलन समारोह ही मान के चलिए। ये देश का राष्ट्रीय पर्व है, इसमें एकता व अखंडता और देश के प्रति बलिदान के लिए समर्पित होने की भावना है। और सभी लोग प्रेम व्यवहार और प्रगति की ओर रहें, उन्नत करें, आगे बढ़ें। जी धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।